अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आपके साथ आरजे ज़ाहिद जमील आज के मेहमान के साथ। और जैसे कि आप देखते हैं आज के मेहमान में हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान यहां पे मौजूद होते हैं। और आज जो हमारे पास मेहमान यहां पे मौजूद हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त वेल लुक प्रिटी गर्ल आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारी अपकमिंग मॉडल मौजूद हैं जो मॉडलिंग भी करना चाहती हैं। और देखते हैं आगे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना आपका नाम है। अच्छा, आप बेसिकली अब अपकमिंग है, मतलब न्यू कमर हैं आप? जी जी। वेरी गुड। तो नगीना आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में? मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मॉडलिंग करेंगे जी। अच्छा ये बताएं, स्कूल के जमाने में आपने कभी मॉडलिंग की है? नहीं, कभी नहीं की, शौक शुरू से था। शौक है आपको? जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने स्कूल के जमाने में कभी नहीं की है तो अब आपका शौक है जी। तो शौक की इम्प्लीमेंट आप किस तरह कर रही है? इससे पहले आपने कहीं अभी तक नहीं की है? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रही हूं। तो आपके उस्ताद कौन है जो आपको मार्केट में लेकर आए हैं? मेरे उस्ताद हैं जी 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 सलीम साहब। सलीम साहब है, ठीक है। अच्छा आपके साथ एक मॉडल होती है जिनको देख के आपने सीखा है जी, यास्मीन। यास्मीन जी। तो यास्मीन आपके ख्याल में आपकी आइडियल है जी जी। तो नाज़िम मैं बताना चाहूँगा, यास्मीन हमारे आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी हमारी साथी एक्टर भी हैं, बहुत अच्छी वो एक्टिंग करती हैं और हमारी इस टीम का हिस्सा भी हैं और बहुत अच्छी मॉडल भी हैं वो जी। और हमारी होस्ट भी हैं वो। साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो यहाँ पे नगीना मौजूद हैं वो उनको लाइक भी करती हैं और पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको मौका मिल जाए कि आप ड्रामे करें यहाँ से, हमारे यहाँ से आप कोई एक्टिंग करें तो आप एक्टिंग करेंगी? जी कर लूंगी। शौक है एक्टिंग का भी? जी शौक तो है। अच्छा स्कूल के जमाने में कभी आपने? नहीं नहीं, ये शौक स्कूल के जमाने में से नहीं है। नहीं था? नहीं। तो ये कब हुआ आपको शौक? ये शौक अभी से हुआ है। अभी हुआ है जी। अच्छा कुछ टाइम हुआ आपको? जी, जी। अच्छा अच्छा ये बताएं जैसे कि अब यास्मीन को आपने देखा है परफॉर्म करते हुए, वो आपको कैसा लगता है उनकी परफॉर्मेंस? आपको पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छी लगती है। असल में लोग जो होते हैं अपने उस्तादों से सीखते हैं और उस्तादों को ही मानते हैं, तो जब आप उस्ताद को आप फॉलो करेंगे तो आप यकीनन अच्छा कर पाएंगे। जी, सही कहा। तो आपके ख्याल में आपकी जो आइडियल है वो यास्मीन है जी। अच्छा अच्छा ये बताएं कि अब फिल्म भी करने का इरादा है आपका, अगर आपको चांस मिल जाता है कि आपको चांस मिल जाए तो कर लूंगी। कर लेंगी आप फिल्म? कर लेंगी। अच्छा तो आपके ख्याल में एक्टिंग कौन सी ज्यादा मुश्किल है, मतलब रोमांटिक ज्यादा मुश्किल है, ट्रेजेडी ज्यादा मुश्किल है, या जिस तरह डर का होता है खौफ किस्म की जो एक्टिंग होती है तो वो कौन सी मुश्किल है ज्यादा, क्योंकि आप तो सारी एक्टिंग देखती हैं तो आपको अंदाजा होगा। खौफ वाली ज्यादा मुश्किल लगती है। अच्छा अगर आपको वो एक्ट दे दिया जाए खौफ वाला तो आप कर लेंगी? पूछ रहा हूँ मैं, अभी नहीं करवा रहा आपसे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप कर लेंगी? कर लूंगी। मतलब डर जिसे कहते हैं डर, अब ये तो हकीकत तो नहीं होता ना। हाँ। ये तो फिल्म होती है ना। हाँ, इसमें तो कर इंसान कर लेते हैं तो कर लेंगे आप जी। कर। अच्छा इतना गाना वाना भी गाने का शौक है आप? जी बहुत शौक है। बहुत शौक है जी। तो क्या ख्याल है व्यूअर्स, थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे इनसे गाना, तो थोड़ा सा सुना दें। हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है। हमें जो तुम्हारा सहारा मिलता, क्या बात है। आपको बड़ा शौक है गाने का? जी गाने का शौक। बड़ा खूबसूरत आवाज में आपने गाया है। थैंक यू। अच्छा ये बताएं आपको सिंगर कौन कौन से पसंद है? सिंगर मुझे तो सराइकी पसंद है। सराइकी तो सराइकी में तो एक तो वो अताउल्ला खान साहब है जी, वो बड़े मशहूर है, बहुत मशहूर। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन। तो और कौन पसंद? नसीबुल्लाह, वो भी शफाउल्ला। नसीबुल्लाह भी है? नसीबुल्लाह तो हमारी अपनी। अच्छा दिल से अच्छी लगती है। ठीक है। और शफातुल्लाह क्या नाम बताया आपने? शफाउल्ला। ये अच्छा गाती है? बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छे। तो कोई शफाउल्ला का या किसी का आप कोई सॉन्ग सुना दें, कोई जो आपको सराइकी सॉन्ग याद है? अभी तो मुझे याद नहीं। कोई तो सराइकी सॉन्ग याद होगा आपको जो आप पसंद करती हैं? याद नहीं है मुझे। अच्छा चलिए नाज़रीन कोई बात नहीं, इनको याद नहीं है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आँच टीवी हमारे आँच डिजिटल एंटरटेनमेंट से आपको मौका मिल जाए परफॉर्म करने का जी, तो आप करेंगी हमारे साथ परफॉर्म? जी बिल्कुल। अच्छा हमारे जो डायरेक्टर हैं अली बाबर, उनका इन फ्यूचर जो है वो ड्रामा भी आ रहा है जी, उसमें भी आपको हम यकीन नाज़रीन हम इनको अपने प्रोग्राम में रखेंगे
और इंशाल्लाह ये हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में होंगी, पार्टिसिपेट भी करेंगी, और मैं ये समझता हूँ कि आप आने वाले, हाँ बिल्कुल, आने वाले परफॉर्मेंसेज में आप इनको देखेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे यकीन। तो मैं ये चाहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त आप एक्टिव हैं, तो कुछ हम और भी प्रोग्राम लेकर आएंगे इसमें कराची टैलेंट शो के हवाले से, तो उसमें भी यकीनन आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही होंगी। बड़ा अच्छा लगा आज से मुलाकात करके। अच्छा मुझे ये बताएं, आज डिजिटल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम आप देखती हैं, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत मज़ा आता है देखते हुए। तो लाइक और सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपने? जी दोनों करती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करती हैं। चलें अच्छी बात है नाज़रीन, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कोई खूबसूरत सा पैगाम आप लोगों को देना चाहेंगी कि देखते रहें आप किस तरीके से बोलेंगी? जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके चैनल का, जो मुझे इतना बड़ा मौका दिया है, और थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और हमारे साथ नगीना यहाँ पे मौजूद थी, अपकमिंग मॉडल, अपकमिंग जो है वो आर्टिस्ट हैं, और यकीनन आप लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। यह आज की हमारी आज की मेहमान थी। इसी तरीके से आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए आज के मेहमान आर जे ज़ाही जमील के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।